एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा उसको लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा उसको नहीं लड़ा जा सकता। सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग, इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील करा ली है, खुद भी मजबूत है। रात हमने देखा सैन्य तो लड़ रही थी, आंसू को आंसू को छोड़ दो, तब आंसू तो जी बात भावुक हो जाए ना, उम्मीद हो जाए ही जाए, अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी। मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, बताओ ताकतवर लोग क्या करते। दूसरों के बाद हम अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन पर लुटोगे तो हम जमीन पर लुटोगे, हम ताकत भी नहीं चाहते। शहीद आजम भगत सिंह ने जेल मंगाया था कि सर भरोसे की अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू है और वक्त आने दे इंकलाब। हम अभी से क्या बनवाने, क्या हमारे दिल में है। वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया, उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार, यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के भाई आपके भी दो बच्चे हैं। क्या माहौल बना रहा था आपने, यहाँ कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठाक ले जा रहे हो, ऐसे अब टूट सब हो गया भैया। तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है, स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे, हमें वोट डालनी थी, आने में लेट हुई। लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप यहाँ बैठा एक आदमी भी कहते कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मान लू। यहाँ अन्याय हो रहा, सरासर हो रहा है, और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे, हम दोषी नहीं बन सकते। इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय, कितने दिन का, 7 दिन का, इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बन जाता है, यहाँ सुप्रीम उसमें लोकसभा में राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको कर देते हैं, 3 दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिनपे मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी और वो तो बहुत अलग की बात है, और फिर उनपे इतनी भी ताकत है, बताओ यहाँ तक उनके समर्थन के भी लग गए बोर्ड, इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगे भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात पढ़ने के लिए, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है भाई, मैं यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुनी है, 3-7 तारीख के बाद हम अपना जो है और बिस्तरा यही घेर लगे। और उसके बाद जीव तक, देखो भाई कुछ चीजें राजनीति पार्टी सब चीजों तक पर होती है, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी है। देखो याद करो, मैं आपके बात से सुना रहा हूँ, तो माइक नहीं है, और ना मेरी दिल इच्छा थी ना आपको आज वो गाना सुनाता, इनका हौसला बढ़ाने खातर, जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल मंगाया था कि सर भरोसे की अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू है और वक्त आने दे इंकलाब। हम अभी से क्या बनवाने, क्या हमारे दिल में है। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ, वो कहना है कौन सी, मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह,
अधिक सख्त समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो दूसरे देख कर तुम और हौसला ले लोगे फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज इन्हें वो सुनाता कि याद करो ये वो देश है जहाँ शहीदों ने क्रांतिकारियों ने अपनी जान फांसी के फंदे जो है ना वो हर के चुम्मे रोए चिल्लाए नहीं, और माँ तुम इनू कहा पता नहीं था माँ तुम्हें देख तू रोई ना तो भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग रुकेंगे भगत सिंह की माँ रोगी, और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो अगर आपने उनसे मेरी माफी नामा मांग लिया ना तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ, ये भी झुकना नहीं पसंद करे बाकी लोग सब ठीक है। अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना FIR दर्ज होगी ये भी चले जाते हैं, मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है उनपे, FIR से कुछ नहीं हो रहा है, न्याय जीव होगा। जीव हमने पिछली बार भी कहा था फेडरेशन के अध्यक्ष पद को छोटे, उसके बाद जीव कोई स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी, ये तीनों बंदे तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो, देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीन होना चाहिए, देखो कोई भी सरकार हो इंसान वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीन होना बहुत जरूरी है, जो आदमी को देख के बदल जा वो फिर आदमी जमीन वाला है। हम उस दिन भी इस बात पर खड़े थे चंद्रशेखर जी, एक चीज बताइए मेरे को, FIR लॉन्च हुए तीन दिन हो गए, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं ये जितने लोग थारे आसपास सारे थारे नहीं, ये भी याद रखिए ठीक है, ये बात सुनो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा उस तो लड़ा जा सकता है लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा उस तो नहीं लड़ा जा सकता, ये जो भीतर घात है जो घर का वेदी लंकट है वो काम बड़ा खतरनाक है, आपके जो आस पास लोग बैठे हैं ना ये जो उल्टे से सवाल पूछ करते हैं, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपसे मैंने पता ये कहा था अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गए, यहाँ योग तब इनकी मदद करने को आए, फिर भी अगर उस तरह की चीज जहाँ तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहे, भाई कुछ ही कह लो बात सुनो, पिछले भी जीतते थे यहाँ भी जीतेंगे, अपने मुगल भी थे अंग्रेज भी थे सारे थे, जब हम उनसे नहीं हारे तो इन तक हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं, गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती शारीरिक नहीं होती मानसिक भी होती है, भाई यहाँ थे अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे, इतने तो थे भारत ज्यादा तो नहीं थे लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप, बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चांटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठे थे क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाहते थे, जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया हम इनकी गेल है, जो मुसीबत आओगी उसे बराबर भी खेलेंगे, लेकिन देखो शुरुआत हो गई है पंचायतें शुरू हो गई है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसे है अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती, ये खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसे कर लो सारा विमान बचो जा, क्यों भाई ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटियां लगती है ठीक है, नहीं देश की तो जीव हो जी भी मैं डल्ला है जी भी तो हक मांगी, फिर देश की क्यों है, फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है, फिर तो देखो बात सुनो ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी, सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील करा, ये खुद भी मजबूत है, रात हमने देखा सेंडियो तो लड़ रही थी आंसू, आंसू को छोड़ दो तुम आंसू तो जी बात भाव को जाना उम्मीद हो जाओ जाए अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी, मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा बताओ, ताकतवर लोग देखो सोच के देखो फिर अब सोचो सही जी, यहाँ दिल्ली की सरजमीन पे पुलिस इस तरह से होगी जहाँ मीडिया भी देख रही है मीडिया भी नो कह रही भाई यू क्या कर रहे हो, आप सोचो गाँव देहात बस्ती में क्या सहना पड़ता होगा, बहुत बुरा हाल भाई, ये नाश के पीछे लग रहे हैं, नाश होने नहीं देना, देश तो अपना है ना भाई, इनका थोड़ा ये इनका नहीं है, ये तो सत्ता में आज बैठे चले जाने ठीक है, इसलिए आपसे भी मेरा कहना है पूरी मजबूती से लड़ो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई 7 दिन के बाद मैं जो कहता हूँ उतना जितना पहले कहता उतना हूँ जितना पूरा पाड़ सकता,
और जिन कहता हूँ तो फिर पूरा पाड़ता हूँ, कुछ भी होगा। ये तो बात सात दिन के बाद हम अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन पे लौटोगे तो हम जमीन पे लौटोगे, हम ताकत भी नहीं चाहते। ये ताकत भी नारे वाला ताकत में भी ये पुलिस के लोग ही सोचे हो, ये भी तुम्हारे भाई है, ठीक है। हम जमीन पे सोंगे लेकिन हम यहाँ से न्याय लेकर उठेंगे। क्रांति है, क्रांति की बिगुल पता नहीं कहाँ था बच जाता है। समझे पहले कहना मैं अकेला ही चलाता मंजिले जाने और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। ये भी आए थे तो थोड़े से तो थे पहलवान, पहलवान थी। देखो ये जितने लोग यहाँ बैठे एक आदमी दस मिश्री रात में बुला सकता है। अब आप चिंता मत करो, बस आप ठहरे रहो। जिक्र आप कुछ थे उसमें जाके दो चार वो कौन कौन से दाव मार दो वगैरह, आप उसी में रहो अपने दाव में, बाकी तो सब लोग तैयार है। सुनो देखो ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ना लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय की। अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को उम्मीद नहीं है न्याय मिलेगा, ठीक है। नहीं तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं इस बात को। छीनना पड़ेगा, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबाने में हाथ देकर छीनना पड़ता है। दम हो वो छीन लेते हैं, हम कट्ठे होकर आपकी जेल, जेल भरो आंदोलन करेंगे जी, जेल भरो आंदोलन। जेल तो छोटा है, ये जिस आंदोलन पर गिर जाओ वो ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात सात दिन बाद जी भी, ये मेरे भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है, हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री से भाई हाथ जोड़कर निवेदन है यार, कितना तो यार बताओ हद होगी नहीं। अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है इसमें इतना सब कुछ हो गया उसको भी नहीं हटा सकते, तो फिर आपका कौन सा जमीर, किस मुंह से कहो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनो भाई आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही, सात दिन सरकार के, सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक परेशान करो। सात दिन सरकार के और आठवें दिन यहाँ घुंटा, आठवें दिन हम यही बैठेंगे और सात कारण है। आप अपनी बात कह लीजिए, आपको मौका होगा। देखो मैं अपना पक्ष रखता हूँ, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का जाने का अधिकार है, मगर जाएंगे अगर हमको आंदोलन में जोर लगा कर बैठे ना, एक दिन में अगर कुछ हो जाएगा तो हमें तो पता ना आंदोलन सोलह सोलह दोबारा, अगर पांच दिन में सरकार की जमीन या सरकारी जमीन उनके लिए नाम जिनके लिए हमने तो हाथरस जैसा मामला देखा, अगर आपने देखा ना हाथरस आप सब जाकर देखा हो, जैसे कचरा जलाते हैं ना ऐसे जला, हमने तो अपनी बहनों के हाथों को लाशों को हाथ में ठाकर हम जानते हैं कि सरकार जब ताना साहब अच्छा बात छोड़ दो, अजय कुमार जिनके मंत्री है किसानों का कार्ड करने का निर्देश दिया बंदे, ये अगस्त की बहनों ने होता है। एक तो निष्ठा हो, ये उससे भी ज्यादा तड़ा चले जहाँ जीवन की बात आवे, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर जा सकती, हमें लड़ना पड़ेगा भाई, ये याद रख लो। अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा, चलने का नहीं, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था। हम इन सात दिन बहन जी समारोह मान रहे हैं, आप ही करो, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे, तहसीलों पे ब्लॉक पे जिले के दफ्तर पे, वो उनकी नाक में दम करेंगे जो वहाँ बैठते हैं, तुम थोड़े बैठेंगे, हम यहाँ बैठते यार हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे क्योंकि हमारे पे करना है।